तो शुरुआत करौली की खबर से, जहां पर 16 सूत्री मांगों को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष और सपोटरा के विधायक रमेश मीणा का जिला कलेक्ट्रेट के सामने चल रहा धरना धरना स्थल पर 25वें दिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट पहुंचे, जिन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ये सरकार गूंगी बहरी है, ये किसी की सुनने वाली नहीं है। एक विधायक 25 दिन से जन समस्याओं को लेकर के धरना दे रहे हैं लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसे में पायलट ने विधायक रमेश मीणा का धरना समाप्त कराते हुए कहा कि 6 महीने बाद कांग्रेस की सरकार बनेगी, तब आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा। इस दौरान पूर्व मंत्री प्रसादीलाल मीणा, भरोसीलाल जाटा और करौली विधायक दर्शन सिंह गुर्जर, टोडा भीम के विधायक घनश्याम मेहर, जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश मामू समेत कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। 3-4 दिन पूरा जिला बंद रहा पायलट साहब, लेकिन यहाँ का पूरे प्रदेश में जो आज हालात हैं बड़े गंभीर हैं और इस जिले के साथ तो शुरू से ही सौतेला व्यवहार हुआ है। इस जिले ने 4 में से 3 विधायक कांग्रेस के जिताकर बीजेपी को आईना दिखाया और पिछले 25 दिन से विधायक महोदय और सारे पार्टी के और आम जनता ने धरना दिया कुछ मांगे लेकर। मांगे ये हैं कि न्याय हो, जाँच हो, अपराध जो बढ़ रहे हैं उसको अंकुश लगाने का काम सरकार करे, नौजवानों गरीबों किसानों के साथ अन्याय हो रहा है उसको रोकने के लिए जनता के हित को लेकर मांग करी और 25 दिन तक सरकार ने कोई सुनवाई नहीं करी।